विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द एरिया बिलो जो नीचे का एरिया है विदाउट उनको ऑब्स्ट्रक्ट किए जो स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है दैट इज ब्रिज नाउ कॉम्पोनेंट ऑफ ब्रिज क्या होते हैं कॉम्पोनेट्स ऑफ ब्रिज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर को हम डेकिंग कॉम्पोनेट्स भी कहते हैं नाउ दिस इज बियरिंग कॉम्पोनेट अबव द बियरिंग इज नॉन एज सुपर स्ट्रक्चर एंड जो कॉम्पोनेंट बियरिंग के नीचे होते हैं ये जो पूरा एरिया है दैट इज सब स्ट्रक्चर एंड जो ये बियरिंग के ऊपर का पूरा पूरा एरिया है दैट इज सुपर स्ट्रक्चर सो फर्स्टली हम सुपर स्ट्रक्चर के कॉम्पोनेंट देख लेते हैं उसके बाद सब स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे तो सुपर स्ट्रक्चर सॉरी सब स्ट्रक्चर के कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं सब स्ट्रक्चर हमारे कौन से थे जो कि कॉम्पोनेंट्स हमारे नीचे थे बियरिंग के है ना तो इसमें हमारा क्या क्या आता है एबटमेंट विंग वॉल पियर पीयर कैप एंड फाउंडेशन सो वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं जो एबर्टमेंट है ये इसको हम अप्रोच भी कहते हैं इट इज ऑल्सो नॉन एज अप्रोच ये एक एंड वर्टिकल सपोर्ट होता है ब्रिज का फॉर सुपर स्ट्रक्चर और डेक के लिए ये एक्ट करता है एज अ रोडवे अप्रोच मतलब ये वो एरिया है जहाँ पर रोड हमारा ब्रिज के साथ कनेक्ट होता है ठीक है जो इसका बैकफिल होता है रोडवे का इज रिटेन बाय दिस अबर्टमेंट ये जो बैकफिल है ये हमारा रिटेन होता है इसी अबार्टमेंट से एंड ये एक्ट करता है एज अ वर्टिकल सपोर्ट एंड लेटरल सपोर्ट नाउ सेकेंड इज विंग वॉल विंग वॉल क्या है ये लोकेट होते हैं अंडर सॉरी नियर अबार्टमेंट बेसिकली यू कैन से दैट कि ये जो है एक्सटेंशन हैं अबार्टमेंट के और ये जो है एडजेसेंट होते हैं एबार्टमेंट के एंड ये एक्ट करते हैं एज अ रिटेनिंग सिस्टम जो विंगवॉल होते हैं ये पार्ट नहीं होते ये कोई पार्ट नहीं है अबर्टमेंट का ये विंगवॉल अलग है ये दैट इज़ अ बॉक्स कलवर्ट टाइप स्ट्रक्चर ठीक है ये मे बी राइट एंगल पे भी हो सकते हैं और ये स्प्लेट uh, भी हो सकते हैं न थर्ड इज पियर पियर क्या होते हैं पियर इंटरमीडिएट वर्टिकल सपोर्ट होते हैं बिटवीन ब्रिज स्पेन ठीक है मेनली टू टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स होते हैं जस्ट एंड एंड सपोर्ट एंड इंटरमीडिएट सपोर्ट तो जो एंड सपोर्ट था वो तो अबटमेंट था हमारा जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं वो हमारे पियर होते हैं पियर का क्या फंक्शन होता है पियर हमारा वर्टिकल लोड जो है वो ट्रांसफर करता है दैट इज जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है टू द फाउंडेशन जो सुपर स्ट्रक्चर पर जितना भी हमारा लोड आ रहा है उसको फाउंडेशन पर ट्रांसफर करता है पियर्स जो है वो कंप्रेशन कंप्रेसिव मेम्बर्स होते हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं टू कैरी द वर्टिकल लोड्स ऑल्सो इन हाई सिस्मिक एरियाज जहाँ पे हाई सिस्मिक एरियाज है वहां पे भी इनको डिज़ाइन किया जाता है फॉर लेटरल लोड्स नाउ फोर्थ इज पियर कैप तो पियर्स के पियर्स जो होते हैं उनके ही होते हैं पियर कैप्स पियर्स के ऊपर लगे होते हैं पियर्स कैप जो हेड ऑफ़ द पियर होता है उस पर लगा होता है पियर कैप ये क्या करता है ये सफिशियंट बियरिंग एरिया देता है फॉर डेक कंपोनेंट्स को नाउ फाउंडेशन फाउंडेशन क्या होता है मेन पर्पस ऑफ फाउंडेशन होता है इज टू ट्रांसफर द लोड्स कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड द सब स्ट्रक्चर टू अ हार्ड स्ट्रेटा जितना भी लोड हम मेन फंक्शन मतलब फाउंडेशन का ये होता है कि जितना भी हमारा लोड आ रहा है सुपर स्ट्रक्चर से एंड सब स्ट्रक्चर पर उसको हार्ड स्ट्रेटा तक ट्रांसफर करना टाइप्स ऑफ फाउंडेशन जो है वो डिपेंड होता है ऑन द लोड ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ये तो सब स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट्स के बारे में था नाउ सुपर स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट्स और डेकिंग कॉम्पोनेंट्स देखते हैं तो ये सुपर स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट्स का होता है ये इसमें क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ ये बियरिंग एंड डेकिंग कॉम्पोनेंट्स जो डेकिंग कॉम्पोनेंट हैं ये कुछ भी हो सकते हैं सपोज कंक्रीट का हो सकता है स्टील का हो सकता है समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील और कंक्रीट हो सकता है जिसको हम कंपोजिट मेंबर्स भी बोल सकते हैं तो ये इनका बना होता है नाउ बियरिंग क्या होता है जो एरिया सब स्ट्रक्चर के ऊपर है एंड सुपर स्ट्रक्चर के नीचे है मीन्स ये रेस्टिंग सरफेस जो है बिटवीन द ब्रिज डेक एंड पियर कैप दैट इज बियरिंग पर्पज ऑफ बियरिंग क्या होता है पर्पज ऑफ बियरिंग इस टू ये कंट्रोल करता है एंड रिड्यूस करता है कंट्रोल मूवमेंट करता है मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है एंड रिड्यूस करता है स्ट्रेस को बोथ वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजोटल डायरेक्शन दोनों में नाउ डेकिंग कंपोनेंट्स और ब्रिज डेक ये क्या होता है डेकिंग एंड ब्रिज डेक ये सरफेस होता है ओवर विच ट्रैफिक पासिस जहाँ से हमारे ट्रैफिक निकल रहा है जहाँ से ट्रैफिक पास हो रहा है जिसके ऊपर से वही हमारा होता है सरफेस उसी को हम कहते हैं डेकिंग ब्रिज डेक ये कंजिस्ट होता है डेक स्लैब स्लैब एंड इसके जस्ट नीचे ये सपोर्टेड होता है बाय डेक बीम एंड डेक बीम जो होता है ये सपोर्टेड होता है बाय पियर एंड पियर जो है वो ट्रांसफर करता है लोड टू फाउंडेशन नाउ जो डेक सरफेस होता है यह माइट भी बिटुमिनस का बना हो और कंक्रीट का बना हो ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ फिनिश हमें कैसा चाहिए वहाँ पर और ये जो है ये जो डेक होता है ये कंसिस्ट होता है ऑफ ए पैरापेट और हैंडल साइड में इसके यहाँ पे पैरापेट और हैंडल लगे होते हैं एंड uh, इसमें एक्सपेंशन जॉइंट भी होता है दो स्पेंस के बीच में द uh, ये डेक जो है ये मे बी ऑफ आई गर्डर जैसा कि अभी आप फिगर में देख रहे होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल